नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। अंबानी अंडानी की दलाली करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी। कहा 342 संकल्प पत्र में से मोदी ने एक भी काम अगर पूरा किया हो तो वोट डालने को तैयार हूं। पकौड़ा योजना और अमीरों के लिए भगोड़ा योजना के लिए जाने जाएंगे नरेंद्र मोदी। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी निर्मल सिंह के चुनाव प्रचार के लिए कैथल पहुंचे कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा कुरुक्षेत्र के गीता भवन मंदिर के पास आयोजित विशाल जनसभा में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ मंच पर पहुंचे, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पहुंचने पर बड़ी फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अंबानी और अडानी की दलाली करता है। उन्होंने कहा, मोदी ने पेट खाली और योगा करवाया, जेब खाली है और खाता खुलवाया, खाने को खाना नसीब नहीं है और शौचालय बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी दो योजनाओं के लिए हमेशा जाने जाएंगे, पहला युवाओं के रोजगार के लिए पकौड़ा योजना और दूसरी अमीरों के लिए भगोड़ा योजना। मोदी ने पूंजीपतियों को भगाया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इन चुनाव में कोई पार्टी जीतेगी, मुझे लगता है कि पार्टी से ज़्यादा हिंदुस्तान जीतेगा या हारेगा। सारे संबंधों में स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर लिया। सिद्धू ने रोजगार, राफेल, किसान समस्याओं से जैसे मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। सिद्धू ने शेरो शायरी के माध्यम से भी भाजपा पर खूब तंज कसे। आप देखें पल पल की खास रिपोर्ट। जैसे नर्मदा में बहता हुआ कोई छोटा सा तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे नवजोत सिंह सिद्धू कैथल में आके महसूस कर रहा है। जय जयकार है आपकी। और ये उमड़ता सैलाब देख के, दिलों में इनकलाब देख के, हर तरफ बदलाव ही बदलाव देख के मुझे महसूस हो रहा है कि लग गया छक्का, लग गया गुरु छक्का लग गया। मैं जब जवान होता, अभी भी जवान हूं गुरु, तो छक्का मारता था बॉल बाउंड्री पार। तुम मुझसे तगड़े हो, ऐसा छक्का मारोगे मोदी हिंदुस्तान पहुंच जाए। मैं अपने भाई साहब रणदीप जी को सलाम करता हूं, क्योंकि मैं 15 साल पहले भी यहां से गुजरा था। मैं पिहोवा भी जाता हूं, 15 साल पहले का पिहोवा और आज का ये कैथल, जमीन आसमान का फर्क है गुरु। इतनी इतनी गलियां होती थी, मैं चौड़ी चौड़ी सड़कें, काया कल्प कर दी। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तौल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और रणदीप सुरजी वाले का कोई तौल नहीं। ठोको ठोको ताली ठोको। जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, वो कहते थे यार तू बोलता नहीं। मैं कहा यार मुझे बोलने की जरूरत क्या है, मेरा बल्ला बोलता है बल्ला। इनको क्या बोलने की जरूरत है, 5 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, इनका काम बोलता है ठोको ताली, काम बोलता भाई। कोयल कूक से, पेड़ फल से, खेत उपज से, इंसान अपने कर्म से जाना जाना चाहिए, क्योंकि कर्म से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। और आज वही आह्वान करने नवजोत सिंह सिद्धू आप सबके बीच में है। भगवान श्री कृष्ण की इस कर्म भूमि से मैं आपको उन्हीं का संदेश देता हूं कि हर तीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल जरूरत है, मन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। बहनों भाइयों, के इस बार इस इलेक्शन में कोई पार्टी जीतेगी
मुझे लगता है पार्टियों से ज्यादा देश हारेगा या जीतेगा, हिंदुस्तान हारेगा या जीतेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए बोलता हूं कि आने वाली पीढ़ियां ये ना कहें कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू तमाशा देख रहा था। नहीं, सिद्धू लड़ रहा था, सिद्धू लड़ रहा था जुल्म के खिलाफ। यहां किला है बाबा बंदा सिंह बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह पातशाह के सबसे बड़े जेलदार थे, जर्नैल थे। वो कहा करते थे गुरु साहब पाप। आज मैं उसी जुल्म के खिलाफ आपके पास आया हूं बहनों भाई। लक्ष्मी शरीर प्राण सब चलायमान है, नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्म स्थिर है। और धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। जो भला नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कि मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया किसान खत्म, मोदी आया संस्थाएं खत्म, मोदी आया फौज खत्म। इस बार अगर मोदी आया तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, पकड़ लो पूंछ। प्रधानमंत्री साहब, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तीन मोदी भाग गए, चौथा बोल रहा झूठ। जोर से नहीं चाहिए, इसको पता तो लगे कोई जहाज इसके खिलाफ बोलता, ठोको टिका के ठोको। मैंने फिल्म देखी थी पहले, हीरो नंबर वन के बीवी नंबर वन देखी होगी सबने, है कि नहीं? हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, कुली नंबर वन। अब मोदी की नवी फिल्म आ रही है फेंकू नंबर वन, फेंके जाए।